हरियाणा में पहला सरकारी हाई स्कूल है जहां अब बच्चे एयर कंडीशन रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल है चरखी दादरी के गांव खेड़ी बूरा में, जहां स्कूल के सभी कक्षाओं को स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित किया गया है। स्कूल में ओपन जिम, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आरओ सहित डिजिटल स्क्रीन, पूरा कैंपस वाईफाई से लैस किया गया है। दादरी के राजकीय उच्च विद्यालय में मॉडर्न सुविधा के साथ साथ पढ़ाई भी बच्चों को बेहतर दी जा रही है। स्कूल हरियाणा का प्रथम वातानुकूलित स्कूल है जहां सभी कक्षाओं में एसी उपलब्ध हैं। हमें कभी भी पढ़ाई के समय गर्मी में नहीं बैठना पड़ता है। हमारे स्कूल में जिला स्तरीय लाइब्रेरी है जिसमें हमारे महत्वपूर्ण बुक्स उपलब्ध हैं। हमें कभी भी वहाँ से किताब लेने में झिझक नहीं करनी पड़ती है। हमारे यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो हमें प्रेम से पढ़ाते हैं। हमें जब हम कोई सवाल नहीं आता तो हम उनसे पूछते हैं, वे बिना झिझक हमें ना कोई डांटे बता देते हैं। सरकारी स्कूल में जो मॉडर्न सुविधा बच्चों को मिल रही है, इसमें सरकार के साथ साथ जेबीटी शिक्षक राजेश सांगवान का भी अहम रोल है। राजेश ने अपने पिता मुंशी राम के निधन के बाद उनकी पूरी पेंशन स्कूल में लगाने का फैसला लिया, जिसका नतीजा स्कूल में बच्चों को सारी सुविधा मिल रही है। विद्यालय राजकीय उच्च विद्यालय खेड़ी बुरा हरियाणा का प्रथम वातानुकूलित विद्यालय है तथा संपूर्ण सुविधाओं से युक्त है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग यहाँ के ग्रामीणों और खासकर श्री राजेश मास्टर जी का रहा है। श्री राजेश मास्टर जी तो पिछले 12 वर्षों से लगातार अपने पिताजी को मिलने वाली जो भी पेंशन है उस सारी पेंशन का प्रयोग विद्यालय में करते हैं। उन्हीं के द्वारा ही प्रथम वातानुकूलित विद्यालय बनने का सौभाग्य। पिछले 12 साल से अपने गांव के सरकारी स्कूल में जो बच्चे कक्षा प्रथम से दसवीं तक प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 5,100, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 2,100 रुपये की राशि देकर प्रोत्साहित करता हूं पिछले 12 साल से लगभग। बता दें, राजकीय उच्च विद्यालय को सरकार द्वारा सौंदर्यकरण के लिए नंबर 1 स्थान हासिल हुआ है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसको देखकर जहां माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने में संकोच करते हैं, ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों को भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से चरखी दादरी के इस स्कूल की तस्वीर बदली है, उसके बाद अब माता पिता की सोच भी सरकारी स्कूलों के प्रति बदल रही है। चरखी दादरी से प्रदीप धनकर की रिपोर्ट।